मैं गुलशन आपकी मेजबान हाजिर हूँ एक ऐसे प्रोग्राम के साथ जिसमें मैं आपकी मुलाकात ऐसी मखलूक से कराऊंगी जिनका बसेरा वीरानों में होता है और जिन्हें पिछल पहरी के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों का वास्ता इनसे पड़ चुका है असल में उन्हें अंदाज़ा है कि ये कितनी ख़तरनाक मखलूक है। तो चलें मैं मिलवाती हूँ आपको हमारी पिछल पहरी से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इन्हें पिछल पहरी क्यों कहा जाता है। दरअसल ये सर से टखनों तक तो हमारी तरह होते हैं बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन इनके पैर पीछे की तरफ होते हैं इसीलिए इन्हें पिछल पहरी कहा जाता है। कहाँ हैं आप? आ गई आप? अरे तुझे बड़ी जल्दी मुझसे मिलने की, किस दिन तेरे खून पी जाऊंगी। अरे अरे आप तो नाराज हो रही हैं, दरअसल हमारे नाजरी बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार करते हैं कि कब आप आए और अपना कोई मजेदार किस्सा सुनाए। हाँ तो बुलाती है मुझे मजे लेने के लिए। चलो ये बताए आने में इतनी देर क्यों हो गई? क्या बताऊँ फुलझड़ी, आज तो मैं बाल बुल बच गई। वो कैसे? रास्ते में आ रही थी, मुझे एक आदमी मिल गया, मैंने उसे घेर लिया और जब उसे मेरी असलियत का पता चला तो वो मेरे आगे गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे छोड़ दे। मैंने कहा ऐसे कैसे छोड़ दूँ, हैं क्या मैं रातों को अपनी नींद इसलिए ख़राब करती हूँ, वीरानों में भटकती हूँ कि अपना पेट भर सकूँ, और तू कह रहे छोड़ दूँ। अच्छा फिर? फिर कहने लगा तुम रातों को फिरती हो अपना पेट भरने के लिए और मैं रातों को मेहनत करता हूँ ताकि मुझसे वाबस्ता उन लोगों का पेट भर सकूँ जो मेरे घर आने के लिए दुआएँ करते हैं कि दो वक्त की रोटी पेट भर के खा सकें। अच्छा फिर कहने लगा कि तुझे मेरा खून पीने में क्या मज़ा आएगा, मेरा खून पीने का असल मज़ा तो मेरा मालिक ले। मुझे फिर भी उस पर रहम ना आया तो क्या क्या पढ़ना शुरू कर दिया और भागने शुरू कर दिया, लेकिन मैंने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, लेकिन वो मेरे हाथ ना आया इसलिए तो यहाँ आने में भी देर हो गई। अच्छा चल अब जाने दे मुझे, बड़ी भूख लग रही है, चलती हूँ फिर दूसरे शिकार की तरफ, इजाज़त दे। जी तो नाजरी देखा आपने हमारी पिछल पहरी साहिबा का किस किस तरह की शख्सियात से वास्ता पड़ता है। अरे भाई जाहिर है जिस मजदूर का खून उसका सेठ चूसता उसमें भला खून कहाँ होगा, और वैसे भी गरीब के घर में खटमल और मच्छर इतने ज़्यादा होते हैं कि बचा बचा खून वो भी नहीं छोड़ते, तो हमारी पिछल पहरी साहिबा को कहाँ से रास आता। खैर देखते हैं अगली बार उनकी मुलाकात किस तरह की शख्सियत से होती है। अब इस बार मिशन को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। हमारी पिछल पहरी को लेकर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।